विवाह में देरी हो तो क्या करें उपाय, विवाह के रिश्ते टूटने से कैसे बचाएं, जानिए क्या कहते हैं आपकी कुंडली के ग्रह, रोजगार में आ रही है परेशानी तो कैसे करें दूर, जानिए डॉक्टर संजय आर शास्त्री धर्म गुरु का मार्गदर्शन। राधे, आप सभी को स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि एरिस राशि अप्रैल 2023 का मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए कैसा होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा होगा, आपका मैरिज लाइफ कैसा होगा, अगर आप प्रेमी हैं तो आपके लिए कैसा होगा, आपका भाग्य, आपका व्यापार और आपका एजुकेशन, वाहन, दुकान, मकान इत्यादि कैसा होगा, इन सारे पहलू पर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अप्रैल में मेष राशि वालों के लिए लकी नंबर क्या होगा, लकी कलर क्या होगा और लकी डे क्या होगा, जिन चीज़ों को जमा के आप अपने भाग्य को अच्छा कर सकते हैं, इन सभी पहलू पर हम लोग बात करने वाले हैं। परंतु वीडियो में इंटर करने से पहले आपसे एक छोटा सा विशेष आग्रह कि आप कमेंट बॉक्स में जा करके दो नाम जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और साथ ही आप अपने मन के विचार, जो भी आपके मन में हमारे वीडियो के प्रति भावना है, जो भी आपका कोई मैसेज हो, कोई बदलाव हो, कोई विचार हो, कोई परिवर्तन हो या कुछ सुनना चाहते हैं अगले वीडियो में, तो आप उस विचार को जरूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में आपके साथ उस पर निश्चित रूप से विचार लिखकर जाऊं। साथ ही साथ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अब हम लोग दर्शकों को इंटर करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए अप्रैल 2023। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक दर्शकों आपका जो ग्रह गोचर के अनुकूल जो कुंडली है, ये मून साइन के अनुकूल लग्न में 3 ग्रह वर्तमान है, 1 शुक्र, 2 बुध और 3 राहु। ये 3 ग्रह आपके लग्न में हैं और ध्यान से समझिए, आपका जो राशि का स्वामी मंगल है, मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, वो आपके तृतीय स्थान यानी कुटुंब स्थान में मिथुन राशि का वर्तमान है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर कंबाइंड समझें तो आपके जीवन में क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया आपके लिए एक खुशखबरी आ रही है, वो है कि लग्न में शुक्र आना आपकी वाणी की प्रखरता इतनी ओजस्वी हो जाएगी कि आप जब भी किसी के सामने अपनी बात रखेंगे तो आपके बातों को समझेगा और बात मान करके आपके अनुकूल कार्य करेगा, अर्थात ये समय आपके अनुकूल हो रहा है। साथ ही साथ आप में एक राहु मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। अगर आप कोई जगह में परिवर्तन करना चाहते हैं, घर में परिवर्तन करना चाहते हैं अथवा किसी कार्य में, नौकरी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ये सब कुछ बदलाव लेके राहु आपके लग्न में ही लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है और बुद्धि की प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना होगा। आपका जो शुक्र है उनका 7वां दृष्टि आपके भार्या पक्ष यानी कि पत्नी पक्ष, अगर कोई मैं स्त्री की राशि मेष है तो पति के लिए, और अगर कोई पुरुष की राशि मेष है तो उसकी पत्नी के लिए, यानी कि कपल्स के लिए ये बड़ा ही प्रेम प्रसंग के लिए बहुत बढ़िया समय होगा 1 तारीख से 14 तारीख तक, ये जो दिखाई दे रहा है अप्रैल का। साथ ही साथ अगर आप कुछ अच्छा मनोरंजन के लिए कहीं आप जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ये भी आपको अच्छा योग बन रहा है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में आपके राशि के स्वामी मंगल का। मंगल आपके कुटुंबेश मंगल आपके कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश होकर के कुटुंब स्थान में बैठे, और वो कुटुंब स्थान में बैठना वो भाई का कारक है, परिवार रिश्तेदार का कारक है। तो एक बात तो सही है कि लग्न के मालिक हैं, आपके राशि का मालिक है और जिस हाउस में बैठे हैं उसको तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे। तो साथ ही साथ आपका भाई बहनों से अच्छा संबंध बनेगा, रिश्तेदारों से अच्छा संबंध बनेगा, लेकिन हाँ 14 अप्रैल के बाद थोड़ा सा आप में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद जो चेंजेस आएगा वो कहीं ना कहीं
मन मुटाव पैदा कर सकता है, गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है आपके रिश्तेदारों के प्रति, आपके भाई बहन के प्रति, तो उसके लिए आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और इसके लिए आपको करना क्या होगा ये मैं आपको अंत में वीडियो में जरूर रेमेडी दूंगा, तो आप जरूर अंत तक देखिएगा। इसके साथ दो बातें और कुंडली में, सूर्य और बृहस्पति आपके द्वादश स्थान में है, 12वें स्थान में व्यय का कारक है, और व्यय के कारक के साथ साथ बृहस्पति अपने घर में है। आपके कुछ खर्चे होंगे, और खर्चे कहाँ होंगे, धार्मिक स्थानों पर। आप लोग हो सकता है कि धर्म के स्थान पर आप जाएं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, कहीं भी आप तीर्थों में जाएं, ऐसा कुछ बड़े बड़े मंदिर में आप जाएं, लेकिन आप धार्मिक स्थान पर जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और जा करके आप दर्शन कर पा रहे हैं। एक बात आप मान के चलिए, द्वादश स्थान में सूर्य का बैठना आपको व्यय करता है आँख का या कि आँख की थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद 15 तारीख से सूर्य आपके लग्न में आ जाते हैं, और लग्न में सूर्य का आना आपके लिए मुकदमा से कोई रिलेटेड परेशानी है उससे आप निजात पा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से आपका अच्छा संबंध बन रहा है, सरकारी काम में अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें पदोन्नति हो रही है, बहुत से अच्छे संबंध बन रहे हैं, पिता के साथ आपका अच्छा संबंध बन रहा है, और यश मान प्रतिष्ठा आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है 15 अप्रैल से, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आपके छठे स्थान में, रोग शत्रु स्थान में चंद्रमा का विराजमान होना, ये मन के कारक है, आपका रोग शत्रु स्थान में है, आप मन से कमजोर होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से थोड़ा सा आप कमजोर होंगे, क्यों कमजोर होंगे, इसका कारण है क्योंकि शत्रु आपके प्रबल होंगे, और शत्रु जब प्रबल होते हैं तो मन थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, डर होता है। और मैं आपको सलाह दूं कि आपको ये शुरुआत में ही, बिगनिंग में है, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में एक घटना घट सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा और मन को पॉजिटिव रखिएगा, और मन को पॉजिटिव रख के आगे बढ़िएगा। लेकिन इसमें आपको सहायता करने वाले व्यापारी वर्ग कोई व्यक्ति है, उसमें आप देखिए आपका एकादश भाव में अपने ही राशि का, कुंभ राशि का, यानी कि कर्मेश और आयेश होकर के आपके शनि महाराज आपके इनकम स्थान में बैठे हैं। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप विदेश का प्लान कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड कोई आपका कार्य है, या कोई ऐसी जॉब चाहते हैं, या कोई व्यापार चाहते हैं जो विदेश से रिलेटेड है, वो आपका सफल होते दिखाई दे रहा है, और शुरुआत से लेकर के अंतिम पूरे महीने तक के साथ आपके रहेगा। साथ ही साथ जो जुपिटर का 12वें स्थान में जाना विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा मन को एक्सपेंस कर रहा है, खर्चा कर रहा है, ढुलमुल कर रहा है और परेशानी में रख रहा है, और भाग्येश बृहस्पति हैं, व्ययेश बृहस्पति हैं, लेकिन बृहस्पति भाग्येश होने से कारण बाद में 14 तारीख के बाद बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसलिए मित्रों एक बात जरूर है, जो मैंने बात की सूर्य मंगल की और चंद्रमा की, आपको इस महीने में लक्की दिन आपके लिए क्या होगा, 1 नंबर और 3 नंबर, 1 और 3, ये 2 नंबर आपके लिए लक्की नंबर होंगे। लक्की दिन आपके लिए ट्यूजडे और थर्सडे, ये आपके लिए लक्की दिन हो सकते हैं इस महीने के लिए। और लक्की कलर आपके लिए रेड कलर और स्पेशली येलो कलर, पीला कलर, लाल और पीला, ये 2 कलर आपके लिए लक्की कलर हो सकते हैं। इन दिनों में, इन नंबरों में और इन रंग के साथ आप कार्य को करिए, और फिर देखिए सबसे बड़ी बात जो मैंने बात कही थी कि आपको मंगल आपको परेशान कर सकता है, चंद्रमा परेशान कर सकता है, उसके लिए आपको एक विशेष बात है। आपने स्ट्रॉबेरी देखा होगा, स्ट्रॉबेरी के कम से कम आपको 24 स्ट्रॉबेरी खरीदने हैं, और वो खरीद करके किसी भी गरीब बच्चों में उसको आपको बांटना है। 24 स्ट्रॉबेरी खरीद करके गरीब बच्चों में बांटिए, और फिर देखिए आपके परिवार का, आपके भाइयों के साथ, बहनों के साथ कैसा संबंध रहता है। ऐसे ही मैं आपसे इस राशि के साथ विदा लेना चाहूँगा, और फिर आपको अगली राशि के लिए मिलने के लिए प्रयास करूँगा। हाँ, आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय श्री राधे।